संकलित मूल्यमापन इयत्ता सातवी विषय हिंदी। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में लिखो। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? सुबह उठकर दादी माँ आंगन बुहारती। गांवों में काम करने के लिए मजदूर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। बंदर जंगल से क्या लाता है? अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां। ऐसम्बा गांव के नाले की दोनों तरफ क्या था? एक तरफ गांव की बस्ती और दूसरी तरफ पाठशाला और खेत। फूल किसको अपना रस पिलाता है? भौर को पिलाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही चांदनी है डालता। बिल्ली बोली, मुझको आया है 104 बुखार। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। दामिनी के बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। चंद खिलौनों के खो जाने से बचपन नहीं भरा करता है। किसने किससे कहा, आज एक अनुपस्थिति लग गई मेरी। उज्ज्वला ने जूही तुषार आदि से कहा। वही नाला गुरुजी, विद्यार्थियों ने गुरुजी से कहा। मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ, लोमड़ी ने बंदर से कहा। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है, शहर ने देहात से कहा। आखिर चाहते हो कैसी एकता, मुनमुन ने टीनू से कहा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। पुष्प फूल, मेघ बादल। शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। दीवार दीवारे, वस्तुए वस्तु। मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करो। दुखड़ा रोना, दुख सुनाना। मेहमान घर में आते ही माँ दुखड़ा रोने लगी। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। अंतरिक्ष में जाकर सुनीता ने चार चांद लगाए। उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर लिखो। दिन प्रतिदिन, दिन भर। सत्य असत्य, सत्यता। शब्दों की अंताक्षरी लिखो। तितली लीना, नाम मकान। उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। निखिल कश्मीर घूमने गया था। उद्देश्य निखिल, विधेय कश्मीर घूमने गया था। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। उद्देश्य मुंबई, विधेय देश की आर्थिक राजधानी है। संज्ञा पहचानो और लिखो। ऐसम्बा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। ऐसम्बा गांव पाठशाला घंटी। नीलू दाना चुगने चली गई। नीलू और दाना। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर एक कहानी लिखो। पानी पुस्तक बिल्ली राखी। मैं घर के भीतर एक दिन अभ्यास कर रहा था। हमारे अध्यापक जी ने हमें रक्षाबंधन के त्योहार के लिए राखी बनाने को कहा था। मैं और मेरी दीदी दोनों मिलकर राखी का सामान
इकट्ठा कर रहे थे। हमारे आसपास पुस्तक रखे थे और नज़दीक पीने के लिए हमने पानी रखा था। हमारे घर में एक बिल्ली भी थी। अचानक उसे एक चूहा दिखाई देता है और वह जोर से कूदती है। तभी उसका कद पानी के ग्लास को लगकर पूरा पानी नीचे आता है। सारे पुस्तक गीले होते हैं। किसी एक विषय पर 10-12 पंक्तियां लिखो। मेरा गांव। मेरा गांव एक ऐसा स्थान है जहां मैं अपनी छुट्टियों में या जब भी मुझे थकान महसूस होती है और आराम करना चाहता हूँ तो चला जाता हूँ। गांव एक ऐसी जगह है जो शहर के प्रदूषण और शोर से बहुत दूर है। इसके अलावा आप गांव में मिट्टी के साथ संबंध महसूस करते हैं। गांव में पेड़ पौधों, फसलों की एक किस्म, फूलों की विविधता और नदियाँ आदि है। इन सब के अलावा आप रात में ठंडी हवा और दिन में एक गर्म लेकिन सुखद हवा का आनंद ले सकते हैं। भारत की लगभग 70% से अधिक आबादी गांवों में रहती है। गांव खाद्य और कृषि उपज के मुख्य स्रोत है जिनका हम उपभोग करते हैं। आज़ादी के बाद गांवों में आबादी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। गांव के लोग अपने काम के प्रति अधिक समर्पित होते हैं। सावरपाड़ा एक्सप्रेस, कविता राउत।